अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट का टैक्स फॉर्म किस तरह से फिल आउट करना है। अगर आपको नहीं पता इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से इम्पैक्ट को यूज़ करते हुए आप अर्निंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको जाके देखें। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, आप फील फ्री टू कमेंट करें, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा और आपकी हेल्प आउट करूँगा इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमने इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म का टैक्स फॉर्म किस तरह से फिल आउट करना है, एक भाई ने पूछा था, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने लगा हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट का टैक्स फॉर्म फिल आउट करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हमारे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है जब आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है। टैक्स फॉर्म फिल आउट कर रहे बगैर आप अपनी पेमेंट्स जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। थोड़ा सा हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखें ऑप्शन है टैक्स डॉक्यूमेंट्स का, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के फॉर्म्स आ जाएंगे, जबकि हमने जो कि नॉन यूएस रेजिडेंट्स हैं, जैसे हम पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी हैं, तो इनको सिंपल ये वाला फॉर्म सिलेक्ट करना है W8BEN। तो सिंपल इसको हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटली एक फॉर्म जो है वो लोड हो जाएगा, उस फॉर्म को हमें फिल आउट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी ऑप्शन लोगों को समझ नहीं आ रहे होते या उसके अंदर वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं को क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस किस तरह से फिल आउट करनी है। तो हमारा यहाँ पे देखें ये फॉर्म लोड हो चुका है, आप इसको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस एडिटेबल फॉर्म को हमने फिल आउट करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज बेनिफिशियल ऑनर, तो यहाँ पे सिंपल मैं अपना नाम लिख दूंगा और यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे अपना कंट्री लिखना है आपने जो भी है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आईडी कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस होता है वो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अभी मैं डमी एड्रेस यूज करूंगा जो कि मैं बाद में फिल आउट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज हाउस नंबर XYZ डमी, ओके। और यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे आपने अपना सिटी लिखना है, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रमेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आपने सिटी लिखना है, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ लाहौर, जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर है जहाँ आपकी परमानेंट रेजिडेंसी है उस सिटी का नाम लिखना है आपने यहाँ पे। यहाँ पे अगेन आपने कंट्री लिखना है, राइट, और इस मेलिंग एड्रेस को इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद सिटी टाउन स्टेट्स पोस्टल कोड वेयर अप्रोप्रिएट्स इसको भी आपने छोड़ देना है, और उसके बाद यूएक्स टैक्सपेयर इसको भी छोड़ देना है आपने, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे देखें ऑप्शन है फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर, तो यहाँ पे आपने सिंपल अपने आईडी कार्ड नंबर पुट कर देना है, लेट्स सपोज जिस तरह से इस तरह से आईडी कार्ड नंबर होता है और इस तरह से कुछ आईडी कार्ड जो नंबर होता है आपका, सिंपल आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, आपने इस सीक्वेंस के अंदर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, मंथ पहले लिखने हैं सबसे पहले, फिर डे लिखने और फिर ईयर लिखने हैं। लेट्स सपोज मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से है 01 01 डैश, और फिर मुझे डे लिखना है लेट्स सपोज 20 एंड देन मैंने ईयर लिखना है लेट्स सपोज 1998 कुछ इस तरह से, राइट। तो ये आपने फिल आउट कर दिया, उसके बाद आपने बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करना है और इनमें से किसी चीज़ों को भी नहीं छेड़ना और सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाना और यहाँ पे देखें साइन, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, इसको आप एडजस्ट कर लें यहाँ पे, ये आपका साइन हो चुका है और यहाँ पे फिर आपने अपना नाम लिखना है, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे जो है डेट ऑफ साइन, जिस डेट को आप प्रिंट कर रहे हैं, अगर ये ऑलरेडी नहीं लिखा होता यहाँ पे आप लिख लें, अदरवाइज ये लिखिए और इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो इतना सा काम है और आपका जो है टैक्स डॉक्यूमेंट वो फाइनल हो जाएगा और अप्रूव भी हो जाएगा, कुछ देर के बाद आपको ईमेल आ जाएगी। क्योंकि मैं ये पहले ही कर चुका हूँ तो मैं इसको अभी फिनिश नहीं कर रहा, सबमिट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को दोबारा एक बार दिखा दूँ, आपने ये वाली फील्ड्स फिल आउट करनी है, ये, उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिटी है, फिर कंट्री है और ये
यहाँ पे लिखा हुआ है मेलिंग एड्रेस इफ डिफरेंट अबाउ, अगर आपका डिफरेंट है तो आप पुट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें, जस्ट वो ठीक है जो आपने फिल आउट किया। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइड नंबर हम क्या डालें, तो यहाँ पे आपने सिंपल और सिंपल अपना आईडी कार्ड नंबर डाल देना है, राइट। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सिंपल सा काम, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू सबमिट इट। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट करें, या इसके अलावा और कोई भी तरह की कन्फ्यूजन है रेलिवेंट टू द इम्पैक्ट और एफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी चीज़ के अबाउट, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।